आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना आपको अब्दुल मजीद भाई? हाँ जी, मुझे ठीक आ रही है। आपको मेरी सही आ रही है? ये अचानक से कुछ होता है वो आपकी वॉइस चेक कर लें मेरी प्लीज। वॉइस हाँ जी को मैंने एंट्री भी नहीं लगाई है, बगैर एंट्री किया। समन, एक दफ़ा अब्दुल मोइस भाई से आवाज़ का पूछ लीजिएगा जी। मैम मुना, हम लाइव हैं लेकिन हमें कोई देख नहीं रहा, अभी लिंक अभी शेयर नहीं हुआ। कर दिया है मैंने शेयर, क्या हो गया है? अब्दुल मोइस भाई का आवाज़ का इशू ठीक कर दें। वाउट ही हो गए। आप ये मुझे बताएं, जब ये वीडियो YouTube पे होगी, लिंक अभी लिंक शेयर की तो नहीं ना किया? शेयर हो चुका है, ज्वाइन हो गया है। ओके, फिर स्टार्ट करें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کریں گے، فور قرآن پاک تلاوت، I would like to invite حافظ عبد المعیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. For Natir Sule Maqbool sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam, I would like to invite Mamuna Murtaza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tajdari haram تاجداری حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو
लाज रखना मेरी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई समन शहजाद फील इमेंस प्लेयर टू होस्ट सच अ वंडरफुल सीरीज ऑफ लेट्स एक्सप्लोर कुरान सीजन 3। आई वार्मली वेलकम ऑल लिसनर दैट हैव जॉइंड अस एंड दैट विल बी जॉइनिंग अस इंशाल्लाह इन द फर्दर टाइम। आई गिव वार्म वेलकम टू आवर फर्दी आवर वर्दी टीचर एंड प्रेजिडेंट ऑफ 360 मुस्लिम एक्सपर्ट ज़ैन अब्बास हु विल बी जॉइनिंग अस इन अ वाइल। आई विल लाइक टू शेयर सम रूल्स हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लेट्स एक्सप्लोर कुरान सीरीज के लिए। द एन अनयूजुअल वे टू लर्न कुरान वी विल बी डीलिंग विद फ्रॉम लिंग्विस्टिक टू मिसकनसेप्शन अबाउट कुरान बाई टचिंग कंपेरेटिव रिलीजन वट इस्लाम सेज अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक एंड वट अदर रिलीजन सेज अबाउट दैट टॉपिक। द टॉपिक ऑफ आवर टूडेज एपिसोड इज कुरान एंड फेमिनिज्म एंड इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। फेमिनिज्म एक हॉट टॉपिक है हमारी सोसाइटी का और आई फील कि हमारे जो इस सोसाइटी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक को समझने की कि हमारा इस्लाम एक्चुअली इस पर क्या कहता है। व्हाट इज रियल में फेमिनिज्म है क्या? ये जो सारा कुछ हो रहा है इतने मार्चेस होते हैं इतना रैलियाँ निकलती हैं सब कुछ होता है लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल बेसिस जो हमारा दीन हमें अलाउ करता है। That's why today's topic for our episode is Quran and Feminism. Inshallah, हमारे साथ जो हमारे पास इस टाइम टीचर मौजूद हैं दैट इज ज़ैन अब्बास फाउंडर एंड प्रेजिडेंट ऑफ 360 मुस्लिम एक्सपर्ट वही इंशाल्लाह इस एपिसोड को आगे लेके चलेंगे एंड सारा आपको बताएंगे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे कुछ रूल्स बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप लोग अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठ जाइए। कुरान पाक जरूर कोशिश कीजिए कि आपके पास हो क्योंकि जब आयात पढ़ी जाएंगी तो आप वहां से खुद भी आयात को रीड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाजमी नोट करते रहें। जो जो हमें ज्वाइन करें वो अपनी अटेंडेंस लाजमी कमेंट सेक्शन में मार्क करें अपना नेम अपना इंस्टीट्यूट लिख के। देन इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हों जो भी आपकी सजेशन हों फीडबैक हो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में साथ साथ देते जाइएगा इंशाल्लाह। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो साथ साथ एड्रेस भी होंगे इंशाल्लाह जो आप कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो लाजमी इंश्योर कीजिए और आप कुरान पाक लाजमी लेके बैठिए बिकॉज हम कुरान सीखने जा रहे हैं तो हमारे पास कुरान पाक होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलेंगे। विदाउट टेकिंग एनी ऑफ योर टाइम आई वुड लाइक टू इन्वाइट ज़ैन अब्बास जो कि अब आगे इंशाल्लाह हमारी पूरी एपिसोड को लेके चलेंगे। Warm welcome, Zain Abbas, and now you can continue. Jazakallah khair. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma baad, fa'auzu billahi minash shaitwanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. My dear listeners, all the viewers and respected participant of this session, I welcome you here with Islamic greeting of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on all of us. Today we have gathered here for season 3 of an amazing series we have started a month ago that is Let's Explore Holy Quran with 360 Muslim Experts. This is episode 1 of season 3 that is exclusively made on the topic of Quran and feminism. And this will be very interesting and concept shaking episode, I must say here. So as you have been instructed with some guidelines, with some decorum, we will hope that you will cooperate and enjoy the full session with full attention and full seeking power. So
विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट अवर एपिसोड बाय स्क्रीन शेयरिंग. लेट मी अलाउ स्क्रीन शेयर हियर. Before diving into our topic, I want to elaborate some heat, the background of this project, that is Let's Explore Holy Quran. This is season 3 and we have alhamdulillah covered 2 seasons covering most of the misconceptions prevailing in our society, i.e. Muslim society, and in non-Muslim community as well. And because of these misconceptions, we have been targeted and we have been hitting, particularly Islam is being damaged by several decades, and it is very hurting for me and obviously for all Muslims to see such a disgusting content. I can say that it is anti-Islamic content. We can easily find out on Google, on different newspapers, on different institutes even. They have been included these content in their syllabus. There are many countries which have made Islamophobic policies. For example, France, for example, United Kingdom and USA. So we have just thought ke jis tarah se Islam ko damage karne ke liye, usko bar bar hurt karne ke liye, koi na koi claim आए रोज हमें देखने को मिलता है. और सर्वे से ये पता चला है कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर 1 से ज़्यादा बुक्स इस्लाम को डैमेज करने के लिए लिखी जा रही हैं, और बेशुमार आर्टिकल्स, बेशुमार कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, बेशुमार कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है. इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज़ का स्टार्ट किया, और आज हमारी एपिसोड 3 है जो कि फेमिनिज़म के ऊपर है. और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहूँगा. मेरा नाम जैन अब्बास है और मैं 360 मुस्लिम एक्सपर्ट का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हूँ. और जहाँ से हमने ये रेफरेंसेस लिए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं एक ही दफ़ा सारे रेफरेंसेस कोट करूँगा और इंशाल्लाह आगे भी रेफरेंसेस विद पॉइंट्स एंड विनिक डिक्शंस आपको मिलते जाएंगे. लेकिन एक दफ़ा मैं आपको सारे रेफरेंसेस इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो, या ये आप सोच रहे हो ये बंदा कहाँ से सारी चीज़ें निकाल के लेकर आ रहा है, तो वो पहले से क्लियर हो. हमारे पास रेफरेंसेस में IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से मेन 80% कवरेज है. इसके बाद IREA और वहाँ के स्कॉलर हैं मोहम्मद हिजाब, उनकी उनसे कंटेंट क्रिएट करवाया गया है, उन मतलब वहाँ से कंटेंट लिया गया है. salam.net साइट से बहुत ज़्यादा लिया गया है. और इसके अलावा इसके नीचे वाले जितने भी रेफरेंसेज हैं वो एक्चुअली फेमिनिज़म के ऊपर पर्टिकुलरली रेफर्ड है. जैसे कि द सेकंड सेक्स इज़ एक्चुअली फंडामेंटल बुक ऑफ फेमिनिज्म, और इसको बनाने के लिए इस फंडामेंटल बुक को बनाने के लिए सीमन डी बोर, जो कि मदर ऑफ फेमिनिज्म है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा एनालिसिस किया था वुमेन राइट के ऊपर. और सारा का सारा जो आप कह लो कि प्रीमिस है, प्रीमिस है फेमिनिज्म का, वो इसके ऊपर ही बेस करता है. सो प्रीमिस क्या होता है इंशाल्लाह ये हम आगे देखेंगे. विंडिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ वुमेन इज एक्चुअली द मोस्ट फंडामेंटल एंड इनिशियल प्रीमिस ऑफ फेमिनिज्म. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज एक्चुअली कोटेड हेयर, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेमिनिज्म को खुद क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो कि वुमेन्स राइट के ऊपर बात करते हैं, WRITE राइट्स के ऊपर, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें रेफर करनी पड़ेंगी इनको सपोर्ट करने के लिए चीज़ों को. डिस्क्लेमर आज के एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस डिस्क्लेमर को इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि ये टॉपिक जो है एक सेंसिटिव टॉपिक के होने के साथ साथ मैच्योर कंटेंट भी है. सो हम ये नियत करते हैं कि हमने जो भी आज सीखना है या जो भी पढ़ना है उसका मकसद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स को लेना, और बाकी
कि जितने भी सेकेंडरी पर्पसेस हैं उनको शंट करना, यानी कि उनको एलिमिनेट करना, ना कि हम दूसरे मकासद में पड़ जाएं या इस बहसो मुबासे में पड़ जाएं कि ये क्या आप दिखाई जा रहे हो, ये क्या चीज़ें हैं। सो इसके लिए मेंटली और फिजिकली पहले से प्रिपेयर्ड रहें सब, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो कि मेच्योर वर्ड्स होंगे, बिकॉज हम इस तरह के टॉपिक को अब डिस्कस करने लगे हैं, तो इसी तरह की कॉरपोरेशन की उम्मीद की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कुरान एंड फेमिनिज्म के पे स्टार्ट करने से पहले कि प्रीमिस क्या होता है। एक्चुअली हर रिलीजन या हर आइडियोलॉजी के पीछे एक पूरी की पूरी फंडामेंटलिज्म होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप एज ए मुस्लिम अगर कंसिडर करें, तो अगर हमने कोई भी चीज़ आइडियली चेक करना हो, हमारे लॉज चेक करना हो, हमने शरीयत बनानी हो, तो हमारे पास क्या सोर्सेज हैं उसके? कुरान एंड हदीस, ठीक है। कुरान एंड हदीस, ये दो सोर्सेज हैं, और हदीस भी सही हदीस। और इसके साथ साथ अगर हमने फेमिनिज्म में ये चेक करना हो कि उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, उस वो आइडियोलॉजी किस तरह से प्रूव होती है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, तो हमें उसकी प्रीमिस के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। हम किसी फेमिनिस्ट को देखकर फेमिनिज्म को जज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक हम किसी मुस्लिम को देखकर मुस्लिम इस्लाम को जज नहीं कर सकते, जो कि आजकल हो रहा है, ठीक है। हमें चेक करना है प्रीमिस के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दूंगा कि अ डिकेड बिलो, अब सॉरी मैनी सेंचुरीज बिलो, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ज़मीन गोल है, गोल नहीं है, फ्लैट है, और इस ख्याल को लोग कंसीडर करते थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी हैव एग्रीड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन जब ये पता चला और हमें हमारे बाप दादाओं जो हमारे पीछे एंसेस्टर्स गुजर गए, उनको ये निगोशिएट किया गया कि वो सब गलत थे, और तब भी जो मेजोरिटी में होने के बावजूद जो पॉइंट गलत हो सकता है, तो इसे ये साबित होता है कि बेशक जितने मर्जी लोग एक पॉइंट को जस्टिफाई कर लें, वो तब तक जस्टिफाई नहीं हो सकता जब तक हम उसके प्रेमिस को चेक ना कर लें, उसके फंडामेंटल्स को चेक ना कर लें कि उसके अंदर क्या मेंशंस हैं। ओके, हमारा थीम जो होगा पूरी की पूरी एपिसोड का, वो इन 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड कर रहा होगा। आयात के ऊपर हमारी आज के एपिसोड में 3 मेन स्ट्रीम आयात होंगी, वो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन नोट भी करवा दूंगा, और यही मेन स्ट्रीम आयात जो है हमने एक्सप्लोर करनी है, और इनसे रिलेटेड जो आयात होंगी वो साइड बाय आयात होंगी, उनको सिर्फ रेफरेंस के लिए कोड किया जाएगा, लेकिन मेन स्ट्रीम 3 आयात होंगी। ट्रांसलेशन होंगी, लिंग्विस्टिक्स होंगी, मिसकंसेप्शन एंड कंपेरेटिव रिलीजन, इसका शॉर्ट फॉर्म है MNCR, और यही आगे यूज होगा, मिसकंसेप्शन एंड कंपेरेटिव रिलीजन, MNCR। एंड इन द लास्ट वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड नंबर 1। आज की जो मेन स्ट्रीम आयत है वो सूरत नहल की है, सूरत नहल चैप्टर नंबर 16 है कुरान पाक का, यानी कि सूरत नंबर 16 है, और इसकी आयत है 125, यानी 125। और ये हर एपिसोड, हर सीजन में हम फर्स्ट एपिसोड में लाजमी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम आगे चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। इसको जानने के लिए हम डायरेक्ट ऑथेंटिक रेफरेंस के ऊपर चल लेंगे, दैट इज़ ऑथेंटिक कुरान पाक, जो कि इंटरनेशनली वेरीफाइड है। वहीं से हम तजवीद भी देखेंगे, वहीं से हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे, और वहाँ पे इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं उनकी तजवीद सुनाऊंगा, एक दफ़ा मैं क्लियर करूंगा, और एक दफ़ा आप सब लोग उसे रिपीट करेंगे अपने अपने मुंह में। आज की फर्स्ट आयत है सूरह नहल की 125, एक दफ़ा हम इनसे सुनते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकअल्लाह, सदक़ल्लाहु अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उद्उ, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, लेकिन मेजोरिटी वर्ड्स ऐसे होंगे 70-80% जो आपको पहले से आइडिया होगा। जैसे उद्उ दावत से वर्ड निकला है, दावत इससे एक्चुअली वर्ड निकला है, तो वो उसे आप जोड़ कर आराम से मीनिंग बना सकते हैं। बुलाओ, दावत दो, काल इला की तरफ, सबीली रास्ता यानी फी सबीलिल्लाह, जैसे हम कहते हैं ये वही सबील है। रब्बी का
का मतलब तुम्हारा रब, लॉर्ड यानी कि तुम्हारा रब, बिल हिक्मा हिकमत के साथ, बिल साथ हिक्मा हिकमत के साथ, वल मौइज़तिन वल मौइज़तिन बेटर इंस्ट्रक्शन एंड बेटर गाइडलाइन बेहतरीन नसीहत के साथ, अल हसना बेहतरीन बेहतर, वजादिलहुम ये एक्चुअली की वर्ड है इस आयत का, वजादिलहुम उनसे मुजादिला करो, उनके साथ बहस व मुबासा करो, बिल्लती ही अहसन बिल्लती इस तरीके से, हिया जो है अहसन अहसन बेहतरीन बेस्ट, इन्ना बेशक रब्बा का तुम्हारा रब हुआ है, आलम यानी अल्लाह पाक की सिफत है, आलम सब कुछ जानने वाला, बिमन जो वो दुल्ला जो दुल्ला ये मिनत दुआलीन से ये वर्ड है, आपने वहाँ से सूरत फातिहा में पढ़े, मिनत दुल्ला जो भटक चुके हैं, अन से अन प्रेपोजिशन है, से सबील रास्ता, ही प्रोनाउन यानी ही उसके रास्ते से, वहुआ वही है आलम जानने वाला, बिल मुहतदीन जो कि हदायत याफ्ता है, उनको भी अल्लाह पाक जानता है बहुत अच्छे से। इसका इंग्लिश में तर्जमा ये बनता है, इनवाइट टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम एंड गुड इंस्ट्रक्शंस एंड आर यू विद देम इन द वे दैट इज बेस्ट, इंडीड योर लॉर्ड इज मोस्ट नोइंग ऑफ हु हैज स्ट्रेड फ्रॉम हिज वे एंड ही इज मोस्ट नोइंग ऑफ हु इज राइटली गाइडेड। ठीक है, और इसका उर्दू में ये तर्जमा बनता है कि उन लोगों को अल्लाह के रास्ते की, अपने रब की रास्ते की तरफ बेहतरीन हिकमत और नसीहत के साथ बुलाओ, बेहतर, और उनके साथ बेहतरीन तरीके से मुजादला करो, बहस व मुबासा करो, बेशक अल्लाह उन लोगों को भी जानता है जो कि उसके रास्ते से भटक चुके हैं और उन लोगों को भी जानता है जो हदायत याफ्ता है। ठीक है, एक दफ़ा आप सब इसको रिपीट कर लें, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिन हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीली वहुवा अअलमु बिलमुहतदीन, सदकल्लाहु लज़ीम। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, ये इसकी ट्रांसलेशन है जो हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हमने ये कुछ पॉइंट्स देखने हैं कि दावा जो है यानी कि बुलाना, क्या ये ड्यूटी सिर्फ स्कॉलर्स की है या ये पूरे मुसलमानों की है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंडीड ये पूरे की पूरी मुस्लिम नेशन की ड्यूटी है, क्योंकि खत्मुल नबूवत में हमारा ईमान है और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होके चले गए हैं, इसके बाद जो भी हदायत का सिलसिला है वो अब बेहतरीन उम्मत होने के नाते हम पर है और हमारा ही ये फ़र्ज़ है, इट इज़ फ़र्ज़, ये कोई इसे छोटे रैंक के ऊपर नहीं है, इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह हम पे तालीम फ़र्ज़ है, जिस तरह हम पे नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह हम पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसी तरह ये भी हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो अल्लाह की बातें हैं जो कि हदायत हमें मिली है उसको आगे लोगों तक पहुंचा दें, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी तक भी हम पहुँचा दें, और उसका बेस्ट वे ये है कि हम अपनी वर्बल एटीट्यूड के साथ फिज़िकल एटीट्यूड को भी इन्वॉल्व करें, हम ख़ुद भी उस तरह का अमल पैरा करें जो कि हदायात हमें मिली हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि क्या सिर्फ कुरान पाक से रेफरेंस देना या अहदीस से रेफरेंस देना किसी को मुतमाइन कर सकता है, तो इसका आंसर ये है बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों के लिए तो ये मुतमाइन सोर्स हो सकता है जो कि पहले से हदायत याफ्ता है, लेकिन जो लोग इसको मानते ही नहीं उन लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको लॉजिकल रिप्लाइज का पता होना ज़रूरी है, और इसके बगैर आप हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें जहाँ पे लॉजिकल रिप्लाइज का पता होना चाहिए उसके साथ जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, जिसको दावत दे रहे हैं, उसके अपने रिलीजन का कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, इसका लॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, और इसका उसके रिलीजन में जो कि बात कर रहा है नेक्स्ट नॉन इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, तो हमें इन सब पर्सपेक्टिव को देख के ही अपनी बात आप मनवा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि प्रिवेल हो चुकी हैं मीडिया में, मीडिया के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया इसकी इलस्ट्रेशन नेक्स्ट स्लाइड में भी इंशाल्लाह नज़र आएगी। इसके अलावा
ये मिसकंसेप्शंस चेंज होती रहती हैं टाइम के हिसाब टाइम के लिहाज से. आज के जो डिकेड है, आज की जो सेंचुरी है, इसमें जो मिसकंसेप्शंस हैं वो मोस्टली आप लोगों को पता होगा हिजाब के ऊपर, जिहाद के ऊपर, ईटिंग एनिमल्स के ऊपर, मुस्लिम्स किल अदर नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, इस तरह की मिसकंसेप्शंस प्रिवेल कर रही हैं. और ये वाली रिपोर्ट कहाँ पे होती है? ये कोई छोटे प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, ये बीबीसी के ऊपर या फिर बीबीसी के ऊपर या फिर अल जजीरा इस तरह की साइट्स के ऊपर, टीआरटी के ऊपर, ये बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ रिपोर्टिंग साइट्स हैं जो कि अथेंटिक मानी जाती है. वहाँ पे इस्लाम को इन मिसकंसेप्शंस की बेस के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है. कैन यू इमेजिन कि आपके पास एक रिपोर्टर आता है और आपसे पूछता है कि आप इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, और मेजोरिटी मुस्लिम्स क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं इस, और डिफेंडिंग पॉइंट क्या आता है कि ये जो बातें हैं हम तो इसको मानते ही नहीं, और ये सारे जो मुसलमान हैं दूसरे जो कि रेडिकल मुस्लिम्स हैं यानी कि शिद्दत पसंद मुस्लिम हैं उनकी बातें हैं, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस्लाम कभी भी इस रेडिकलिज्म को अलाउ नहीं कर सकता. तो हमने अपने आप को डिफेंड नहीं करना बल्कि इस्लाम को डिफेंड, इस्लाम ने हमें डिफेंड करना. एक्चुअली हमने अगर अपने आप को डिफेंड करना है तो हमें इस्लाम का सहारा लेना होगा. इस्लाम को हमारे सहारे की बिल्कुल वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने लाजमन अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर रखना है. और ये मिसकंसेप्शंस पूरी दुनिया में अभी सेम है, यानी कि अगर आप यूके चले जाएं वहाँ पर भी ये मिसकंसेप्शन सेम होगी. और इस मिसकंसेप्शंस को जो कि प्रिवेल कर रही हैं, क्लियर करने का यही तरीका है कि हमें उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए, उन पे बात कर लेनी चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए जो आप कैसे देते हैं, ठीक है. और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का थीम है और ये इसीलिए स्टार्ट किया जा रहा है. इट इज़ एक्चुअली अ दावा प्रोग्राम और एक्चुअली अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, दिस इज़ इलुस्ट्रेशन. मीडिया किस तरह से गलत पोर्ट्रेट करता है ये हमारे पेज के ऊपर भी मेंशन है पिक्चर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं किस तरह से बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा सब्जेक्टिव चेंज है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, फेमिनिज्म कंपैटिबल विद इस्लाम. तो इससे पहले हमारी जो दो मेन स्ट्रीम आयात है मैं उसकी तरफ मूव ऑन करूँगा कि आज की जो बाकी, एक तो हमने मेन स्ट्रीम आयात सूरह नहल की पढ़ ली है, बाकी जो दो मेन स्ट्रीम आयात हैं उसके लिए दोबारा से हम गूगल पे चलते हैं. दूसरी मेन स्ट्रीम आयत जो है वो आज सूरत अहज़ाब की है, आयत नंबर 35, और अगर इसका शॉर्ट कोटेशन फॉर्म में करें तो 33/35, यानी चैप्टर नंबर 33 सूरत अहज़ाब, और इसकी वर्स नंबर 35 है. तो इसको पढ़ने के लिए अगेन हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत ही प्यारी आयत है, आप लोग लाजमी इसको अच्छे से सुने, इसको रिपीट करें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सदकल्लाहुलअजीम. इट इज़ एक्चुअली अ वर्ड सोलिंग आयत, और जब हम इसे सुनते हैं मैं आप लोगों को सबको ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये सुना करें, इससे ज़्यादा सुकून वाली चीज़ आपको दुनिया में नहीं मिल सकती, यकीन करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल मुस्लिमीन, बेशक इन्ना बेशक, मुस्लिमीन यानी मुस्लिम मर्द, वल मुस्लिमात मुस्लिम औरत, वल मोमिनीन मोमिन मर्द, वल मोमिनात मोमिन औरत, वल कानितीन कनात करने वाले मर्द यानी कि फरमा बरदार मर्द, वल कानितात कनात करने वाली यानी फरमा बरदार औरतें, वस्सादिकीन सच बोलने वाले रास्त गो मर्द, वस्सादिकात सच बोलने वाली या रास्त गो औरतें, वस्साबिरीन सब्र करने वाले मर्द, वस्साबिरात और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशीन खुशू करने वाले अल्लाह से डरने वाले मर्द, वल खाशियात अल्लाह से डरने वाली औरतें आजिज औरतें, वल मुतफद्दिकीन सदका देने वाले मर्द, वल मुतफद्दिकात सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीन रोज़ा रखने वाले मर्द, वस्साइमात रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द, वल हाफिज़ात और
हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बेशुमार जिक्र करने वाले मर्द, वज़ाकिरात, और अल्लाह का बेशुमार जिक्र करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु, अल्लाह ने तैयार करके रखा है, अअद्दा यानी तैयार करके रखा है, बना के रखा है, क्या चीज़, लाहुम उनके लिए, मगफिरत यानी कि मगफिरत फॉर गिविंग, वा अजरन अजीमा, और बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा अजर। अगर हम इसका इंग्लिश में तर्जमा देखते हैं तो बनेगा, इंडीड द मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमेन, द बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वुमेन, द ओबीडिएंट ओबीडिएंट मैन एंड ओबीडिएंट वुमेन, द ट्रूथफुल मैन एंड ट्रूथफुल वुमेन, द पेशेंट मैन एंड पेशेंट वुमेन, द हम्बल मैन द एंड हम्बल वुमेन, द चैरिटेबल मैन एंड चैरिटेबल वुमेन, द फास्टिंग मैन एंड फास्टिंग वुमेन, द मैन हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड द वुमेन हु डू सो, एंड द मैन हु रिमेंबर अल्लाह ऑफन एंड द वुमेन हु डू सो, फॉर देम अल्लाह हैज़ प्रिपेयर्ड फॉरगिवनेस एंड ए ग्रेट रिवॉर्ड। उर्दू में अगर तर्जमा करें बामानी तो वह ये बनता है, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, कनात करने वाले मर्द और कनात करने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, खुशात करने वाली यानी कि खुशू करने वाली, डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें, आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो गई थी, रासगो मर्द और रासगो औरतें पहले, और यहाँ पे सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, ये करेक्ट कर लें, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह का बेशुमार जिक्र करने वाले मर्द और बेशुमार जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने उनके लिए मगफिरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। एक दफ़ा आप इसको रिपीट कर लें मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वल सादिकीना वस सादिकात वस साबिरीना वस साबिरात वल खाशिईना वल खाशियात वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم। और आज की ये हमारी दूसरी मेन स्ट्रीम आयत कवर हो चुकी है, थर्ड भी मैं इसके साथ ही कवर करना चाहूँगा, डेट इज़ फ्रॉम सूरत निसा, और उसकी आयत नंबर 4 है, यानी कि 4x4 चैप्टर नंबर 4 है सूरत निसा, उसकी आयत नंबर 4 है, वो भी हम इसके साथ ही कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह एक फ्लो के साथ एम एंड सी आर के ऊपर मूव ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत निसा ये सब नोट कर लें, वर्स नंबर 4 है, चैप्टर नंबर भी 4 है, वर्स नंबर भी 4 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदकुल्लाह अज़ीम, माशाल्लाह, अगेन रूह में उतर जाने वाली किरत है, आप लाजमी से सुने, इसे इंजॉय करें, इंटरटेन हो, तो ये इससे बेस्ट इंटरटेनमेंट दुनिया में कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वआतुन्निसा, और दो, वआतु और दो, निसा निसा औरत को कहते हैं, सदुकातिहिन्ना यानी महर, उनकी डाउरी यानी कि मेहर, हक मेहर जिसको बोलते हैं उर्दू में, नहला खुशगवार तरीके से, ग्रेसली, फा इन और बेशक, सॉरी, फा अगर इन वो लेकिन अगर, इसका मतलब है लेकिन अगर, तिबना लकुम, तिबना कहते हैं वो छोड़ दें, वो वापस कर दें, तिबना लकुम तुमको या तुम्हारे लिए, अन शई इसमें से कुछ, अन से प्रेपोजिशन है, शई कुछ,
ठीक है, शाही इन कुछ मिन हु इसमें से, मिन इस हु इस में से, ठीक है, मीन्स में और हु इसमें, ठीक है। नफसन कुछ जरा सा भी, यानी नफसन कुछ भी, जो खुद ही वो छोड़ दें, नफसन खुद ब खुद वो छोड़ दें, कौन? फीमेल यानी कि ब्राइडल टू बी द स्पाउस, ठीक है, वाइफ की बात की जा रही है यहाँ पे। फकुलू हु तो उसे खा लो, यानी उसको इस्तेमाल कर लो, जो कि वो छोड़ दें। हनीयम मरी या हनी कहते हैं कि बिल्कुल सेटिस्फाई होकर, तो इसमें कोई गुनाह नहीं, ठीक है। मरिया का मतलब है और बिल्कुल तसल्ली के साथ, इजीनेस के साथ आप खा लो, ठीक है। उर्दू तर्जमा करते हैं हम इंग्लिश में, एंड गिव द वुमेन अपॉन मैरिज देयर ब्राइडल गिफ्ट ग्रेस ग्रेसली, बट इफ देर गिव अप विलिंगली टू एनीथिंग ऑफ इट, देन टेक इट इन सेटिस्फेक्शन एंड ईज। और अगर उर्दू में तर्जमा करें तो बनेगा, और औरत को यानी कि ख्वातीन को, जो कि तुम्हारी वाइफ बनने वाली हैं, टू बी द योर वाइफ, उनको उनकी उनका हक मेहर अच्छे या खुशगवार तरीके से दो, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से इसमें से कुछ छोड़ दें तो इसको तसल्ली के साथ और सेटिस्फेक्शन के साथ इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ये इसका मतलब है उर्दू में। एक दफ़ा आप लोग भी सब मेरे साथ रिपीट कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا صدق الله العظيم। That is last and third mainstream ayat of our episode 1 of Let's Explore Holy Quran. And now we will move towards our main agenda of this session. ओके, यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हम सबसे पहले अपनी पूरे की पूरी डिवीजन, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमने फेमिनिज्म के ऊपर बात करनी है सबसे पहले, उसके बाद हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका देखेंगे। फेमिनिज्म पे हमने आज चार पॉइंट्स कवर करने हैं, डेफिनेशन एंड फाउंडेशन ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म मूवमेंट्स क्या थी, 12 फ्लॉलेस क्लेम्स, और उनमें से आज हम 7 क्लेम्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा इस्लामोफोबिक क्लेम्स क्या हैं फेमिनिज्म के, वो चेक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन एंड डेफिनेशन से। सो दिस डेफिनेशन इज़ फ्रॉम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, डेट इज़ 2019, चेक कर सकते हैं आप लोग। ग्लोरा ब्रूनल और एलिनोर बर्केट राइटर्स हैं जो कि करते हैं फेमिनिज्म द बिलीफ इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस या जेंडर। और इसका मतलब ये है कि तीन पॉइंट्स के ऊपर बात की गई है और फेमिनिज्म इनके ऊपर बेस करती है, डैट इज़ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। और ये तीन पॉइंट्स आप लोग लाजमी नोट कर लें क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे और इंशाल्लाह इसकी बेस के ऊपर हमने पूरी की पूरी एपिसोड डिवाइड की हुई है। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्री क्लेम्स हैं वो पूरी की पूरी फेमिनिज्म के। सो फाउंडेशन कब रखी गई थी फेमिनिज्म की, डेट इज 1837, और फर्स्ट मैन हु यूज्ड फेमिनिज्म वर्ड डेट इज चार्ल्स फॉर्नियर, एंड डेट इज यूटोपियन सोशलिस्ट एंड फ्रेंच फिलोसोफर। और सेकेंड टाइम इसको यूज़ किया गया था 1872 को, डेट इज़ अगेन इन फ्रांस एंड नीदरलैंड्स। और ये वाला जो रेफरेंस है ये डच फेमिनिस्ट पॉइनियर मीना क्रूसमैन इन अ लेटर टू अलेक्जेंडर डूमस से लिया गया, ये लेटर लिखा गया था उसके अंदर ये चीज़ मैंशन है, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दे मैंशन फेमिनिज्म वर्ल्ड। बट एक चीज़ यहाँ पे एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 1837 को फर्स्ट टाइम ये यूज़ हो गया वर्ड, लेकिन इसको पूरी पूरी दुनिया में बाहर लाने के लिए 1960s तक वेट करना पड़ा था। 1960s में सेकेंड वेव जनरेट हुई थी फेमिनिज्म की, तब एक्चुअली फेमिनिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके टाइम पीरियड के अंदर, ये सब नोट कर लें। 1837 से लेकर 1960 तक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। इससे पहले, इसके दरमियान गूगल पैलग्राम से अगर हम चेक करें तो फेमिनिज्म वर्ड तो बन गया था लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ था, दुनिया में सामने नहीं आया था। ओके, दीज आर द फेमिनिस्ट मोमेंट्स, एक्चुअली दीज आर द क्लेम्स ऑफ फेमिनिज्म।
जो कि फेमिनिज्म बनाने के पीछे और आज जो रिसेंट इसके क्लेम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन हैं। और अगेन ये भी रेफर किया गया है रॉबर्ट्स जैकब 2017 वुमेन्स वर्क डिस्टिलेशन वॉल्यूम 3 नंबर 1 पेज नंबर 6 to 11 पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें मेंशन हैं। और ये मैं अपनी तरफ से चीज़ें नहीं ऐड कर रहा, ये उनके उनकी बुक्स से ऐड कर रहा हूँ। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है या आप इसको कह लो ये कंप्लीट अलग कॉन्सेप्ट है, इस इनकी बुक्स हैं वहाँ से ये चीज़ें मेंशन हैं कोटेड हैं। सो फर्स्ट थिंग हेयर इज़ वोट, कि वुमेन के पास वुमेन्स राइट होने चाहिए वोट के लिए। देन सेकेंड होल्ड पब्लिक ऑफिस, फिर वर्क इक्वल अर्न इक्वल पे, ओन प्रॉपर्टी, रिसीव एजुकेशन, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, हैव लीगल राइट्स विद इन मैरिज एंड मैटरनिटी लीव। ये सारे ये वो पॉइंट्स हैं जो कि फेमिनिज्म बनाने के पीछे, फेमिनिज्म मूवमेंट्स के पीछे बेस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एडिड फेमिनिज्म मूवमेंट्स हैं जो कि भी रिसेंटली ऐड किए गए हैं फेमिनिज्म के प्रीमिस के अंदर, इसको मोर स्ट्रेंथ देने के लिए। और वो कौन कौन से हैं, लीगल एबॉर्शंस, सोशल इंटरेक्शंस टू प्रोटेक्ट वुमेन गर्ल्स फ्रॉम रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली या कुछ सेंचुरी बिफोर या फोर्थ वेव, ये वेव्स भी इंशाल्लाह मैं वन बाय वन क्लियर कर दूंगा। अभी इसी तरह हम चलते हैं कि फोर्थ वेव जब आई थी तो तब ये फेमिनिज्म के एडिड मूवमेंट्स हैं। ठीक है, और ये रेफरेंस भी आपके सामने। नाउ दीज आर द फोर वेव्स, इनका समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर हम पूरी फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। सो द फर्स्ट वेव एक्चुअली इन 19th and 20th century, और इस वेव का मोटिव ये था कि वुमेन को वोट करने के लिए राइट मिलना चाहिए, बस ये इसका क्लेम था। सेकेंड वेव 1960s में था, और यहाँ पर लीगल एंड सोशल राइट्स के ऊपर बात की गई थी वुमेन की। और थर्ड वेव 1992 में क्रिएट हुई थी, जनरेट हुई थी, जिसमें बहुत अजीब क्लेम्स आ गए थे और जितने फ्लॉज पीछे छूट गए थे फर्स्ट और सेकंड वेव को, उसको कवर करने के लिए कुछ न्यू क्लेम्स किए गए थे, कुछ न्यू बुक्स लिखी गई थी। एंड फोर्थ वेव जिसमें हम अभी भी गुजर रहे हैं 2012 से स्टार्ट हुई थी, जो कि मी टू वेव भी कहती है, और हमारे इधर इधर रीजनल लेवल के ऊपर वुमेन मार्च या औरत मार्च के नाम से क्रिएट हुई थी। तो हम इसको वन बाय वन इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगेन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ये रेफर्ड हैं, एंड जो कि रिट्राइव्ड हुई थी 21 मई 2019, यू कैन चेक दीज इन दैट बुक। ओके, नाउ हम 12 फेमिनिज्म क्लेम्स में से 7 के ऊपर बात करेंगे, और ये क्लेम्स समझने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन होना अटेंटिव होना ज़रूरी है। मैम ये फ्लॉलेस क्लेम्स का मतलब ये है, या रैम्बलिंग्स का मतलब ये होता है कि इलॉजिकल क्लेम्स हैं जिनकी हमें समझ ही नहीं आती। कि ये जब मैं एक फेमिनिज्म को स्टडी कर रहा था, इसकी एज ए फेमिनिस्ट बन के सोच रहा था, तो मेरा दिमाग पूरा का पूरा उलझ गया क्योंकि मुझे इस तरह के अजीबो गरीब क्लेम्स देखने को मिले। देन आई थॉट कि मुझे इन चीज़ों को लाजमी ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर विद इन आइडियोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी तो हम उस आइडियोलॉजी को लेके चल ही नहीं पाएंगे। उसकी बेस ही अगर ख़राब होगी तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो ये फाउंडेशन ये सॉरी क्लेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को शेक करने वाले हैं। इनको आप नोट कर लें, और यहाँ पे बहुत शॉकिंग फैक्ट्स भी आपके सामने नजर आएंगे। फर्स्ट क्लेम इज़ फाउंडेशन लेड इन 1830s एंड यूज्ड इन 1960। सो वी कैन थॉट वी कैन एयर थिंक दैट के इससे पहले 1960 से पहले मैन एंड वुमेन नेवर एवर थॉट दैट दे शुड हैव देयर राइट, देयर ओन राइट्स। क्या इनसे पहले मैन या वुमेन, एक्चुअली वुमेन स्पेसिफिकली, उनको कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि उन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर बात करनी है। इससे पहले जितनी भी सेंचुरीज गुजरी हैं, क्या उसमें फेमिनिज्म की बजाय कुछ और यूज़ हो रहा था, या फेमिनिज्म ने उसको कवर किया, उनकी बातों को कवर किया? तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन मार्क दे देती है कि इससे पहले वाली जो जितनी आइडियोलॉजीज थी, क्या उन सबको निगलेक्ट कर दिया गया, या फिर ये एक बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी निकली? तो यहाँ पे मैं एक बहुत अजीब सा क्लेम करने लगा हूँ, दैट इज़ कि फेमिनिज्म इज़ नॉट वुमेन राइट एक्टिविस्ट
एक्टिविज्म इटसेल्फ, फेमिनिज्म खुद भी वुमेन राइट्स के ऊपर बनाई नहीं गई थी एक्चुअली, ठीक है। और ये क्लेम मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको किस तरह ये मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ फेमिनिज्म एक्चुअली इटसेल्फ इज ए रेसिस्ट मूवमेंट, और ये रेसिस्ट मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई थी। और अब एक और क्लेम मैं करने लगा हूँ कि इटसेल्फ फेमिनिज्म जो है ये खुद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इसके अंदर काउंटर कर रही हैं। सो इन 1792 ए वुमेन केम आउट विद ए बुक विंडिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड शी वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट फेमिनिज्म एवर इन इन देयर प्रीमिस दैट इज मैरी वूलस्टोन क्राफ्ट। और आप ये इजीली सर्च कर सकते हैं विंडिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। एक्चुअली शी केम आउट विद द आइडिया दैट वुमेन हैव सेम इंटेलेक्ट एंड रैशनल लेवल, सो देयर दीज लेवल इंटेलेक्ट एंड रैशनल लेवल शुड बी नरिश्ड बाय द एजुकेशनल एंड वोटेज सिस्टम। और इसके आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि मैन की तरह वुमेन के पास भी सेम थिंकिंग पावर है, सेम रैशनल पावर है, तो उनको भी नरिश करना चाहिए ताकि हम अपनी वोटिंग सिस्टम को इंक्रीज करें, ताकि हम जो तब की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा, दैट इज़ द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म। और वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस कॉलोनियलिज्म बिकॉज वी हैव बीन विक्टिम ऑफ दिस कॉलोनियलिज्म। जिस तरह ब्रिटेन हम पे आके या ब्रिटिश हम पे आके ऊपर हुकूमत करती है, इसी तरह वो अफ्रीकन्स के ऊपर भी जाकर हुकूमत कर रही थी। दैट इज़ द टाइम ऑफ मुगल एम्परर्स, ये उसी टाइम की बात की जा रही है। और उस टाइम मैरी वूलस्टोन क्राफ्ट आउट होती है और अपनी एक बुक लिखती है जो कि विंडिकेशन और सर्टिफिकेशन वुमेन है, और उसमें ये मेंशन करती है कि वुमेन हैव सेम रैशनल एंड इंटेलेक्ट लेवल एंड शी नेवर यूज द वर्ड फेमिनिज्म इन हर बुक। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हेयर कि ए फेमिनिस्ट इटसेल्फ नेवर यूज द वर्ड फेमिनिज्म, शी एक्चुअली यूज द टर्म यूनिवर्सल सफरेज और वुमेन सफरेज इन हर बुक। और इसका मतलब ये है कि जो वोटिंग प्रीमिस है यानी वोटिंग मूवमेंट है फेमिनिज्म का, वो इसका अपना है ही नहीं, वो एक्चुअली यूनिवर्सल सफरेज का मूवमेंट का यूनिवर्सल सफरेज का क्लेम है। दैट इज एक्चुअली अ सेपरेट टर्म, दैट इज एक्चुअली अ सेपरेट टर्म फ्रॉम फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म जो क्लेम करती है कि वुमेन शुड हैव राइट टू वोट इटसेल्फ इज ए फ्लॉलेस क्लेम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नेक्स्ट एमिली स्कैंटन स्टार्टेड द रेसिस्ट मूवमेंट एंड आई कैन ईजिली प्रूव दैट फेमिनिज्म इज एक्चुअली अ रेसिस्ट मूवमेंट। इफ वी स्टडी लेट अस गो बैक इन 1848 सेनेका फॉल्स कॉन्फ्रेंस इन 1848 एंड एमिली स्कैंटन came out with the idea that because these women were white and they thought that they are superior than black men, she came out with the idea that black men is inferior, so white women have the first right to vote before black men. Isko easy words mein keh sakte hain ke jo black men hain unke vote karne se pehle जो वाइट वुमेन है उनका वोट होना चाहिए। ये एक छोटी सी थ्योरी थी जो कि एमिली स्कैंटन ने पेश की थी, और इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया था रेबेका लेटिमर फेल्टन। और इंशाल्लाह मैं ये आपको विजुअल इमेजिंग भी दिखाऊंगा इसकी, जो शी वाज द फर्स्ट सेनेटर इन यूनाइटेड स्टेट। तो वहाँ पे फर्स्ट सेनेटर एज ए वूमेन इन यूनाइटेड स्टेट एंड शी वाज ऑन द आइडिया डेट every black woman should be lynched every week, thousands of black women should be lynched every week. iska matlab ye hai ki jitne bhi black men hain wo unko lynch kar dena chahiye, matlab ye ki unko qatl kar dena chahiye, unko latka ke maar dena chahiye, unka genocide kar dena chahiye because they are black, just because they have skin color different from them. theek hai, aur is basis ke upar Rebecca Felton जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं और इनको हिस्ट्री ने फेमिनिस्ट कहा, और इसके साथ साथ वाइट सुप्रीमिस्ट भी थी। इसके साथ साथ ये के पार्टी है यूनाइटेड स्टेट की, उनकी लेगेसी मेंबर थी यानी सेनेटर थी, फर्स्ट वुमेन सेनेटर। और मैं इंशाल्लाह ये विजुअल इमेजिंग भी दिखाऊंगा इनकी। इसके बाद अगर हम फेमिनिज्म
को क्लासिफाई करें तो जो मोस्ट लाइटर वर्जन आता है फेमिनिज्म का वो लिबरल फेमिनिज्म है, और जो सबसे हैवीएस्ट या एक्सट्रीम वर्जन आता है फेमिनिज्म का वो है रेडिकल फेमिनिज्म। और ये एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एंड्स एग्जिस्ट करते हैं, लिबरल भी हैं और रेडिकल भी हैं। और अभी ज़्यादा रुझान रेडिकल के ऊपर है, क्यों? क्योंकि दीज आर मोर डैमेजिंग, और अगर उनके सामने कुछ भी ऐसा कह दिया जाए जो कि वुमेन के खिलाफ हो, तो वो एक्चुअली, अगर मैं एज ए मुस्लिम मैन या मैं मुस्लिम बॉय उनके सामने जाकर ये बोल दूँ वुमेन आर वीकर, दे मे हिट माई नोज एंड मेक मेक मी लेड इन टू द ग्राउंड एंड हिट विद विद देयर हील्स, और मुझे इतना मारेंगे, यकीन करें ऐसा होता है, ठीक है? तो लेकिन अगर हम मैं यही साबित कर दूं कि उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, देन दे हैव नो वे टू किक मी आउट। और मैं ये साबित करके रहूंगा आज किस तरह से ये साबित किया जा सकता है। वुमेन एंड वीकर आर मेंशन्ड इन देयर ओन बुक्स, द सेकंड सेक्स एक्चुअली द सेकंड जेंडर इसका मतलब है, जिसका मतलब ये है कि ये सीमन डी बोवर की एक बुक है जिसका पेज नंबर जो मेरे पास है वो 68 to 69 है। हर एक वर्जन का पेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए पेज भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और 68 और 69 में सारा कुछ मेंशन है, इंशाल्लाह वो आप दिखाएंगे। और ये बुक एक्चुअली फ्रेंच यानी कि लैंग्वेज में लिखी गई थी, और इसको बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। वी हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक। अगेन इन द सेम बुक द सेकंड सेक्स दिस इज मेंशनड देयर दैट बीइंग मैनशिप इज अ कर्स। बीइंग मैनशिप इज अ कर्स का मतलब है कि मेल होना, एवरी मैमल का मेल होना उसके लिए गुनाह कबीरा है। यानी कि ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि एक बंदा, एक इंसान अगर वो मेल पैदा हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ा अजाब है एज ए मेल पैदा होना। और ये भी सेम बुक के अंदर रेफर्ड है। अगेन लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, पेट्रियार्की एक टर्म है जो कि फेमिनिज्म में यूज़ होती है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी एंटी फेमिनिस्ट हैं या मैन हेटिंग है या मैन सुप्रीमिस्ट है, उनको पेट्रियार्की में लेबल कर दिया जाता है, उनको एक्सट्रीमिस्ट, मैन एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर कर दिया जाता है। लेकिन बजाय इसके कि उनकी डिज़ायर को टारगेट किया जाए, जो इन डिज़ायर के जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनको टारगेट करना ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल इसको एज ए टूल यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में मैन डिज़ायर को। और अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें कि इसको कैसे टूल के तौर पर किया जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जो कि मैन डिज़ायर को एज ए टूल यूज़ कर रही हैं, और यही इधर आकर फेमिनिज्म में पैट्रियार्की हो जाती है। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल टर्म है, दोनों एंड्स मीट नहीं कर रहे इस वक्त, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि मैन डिज़ायर को एज ए टूल यूज़ करती हैं। दिस इज़ द बुक रिबेक एक्चुअली द सेकंड सेक्स, एंड इन पेज 468 यू कैन सी हेयर इट इज़ मेंशनड, इट इज़ द फैक्ट। यहाँ से अगर हम पढ़ें, वुमेन इज़ वीकर देन मैन, शी हैज़ लेस मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्यूअर रेड ब्लड सेल, लेस लेसर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, शी रन्स लेस, फिट्स लेस हैवी वेट्स, देर इज प्रैक्टिकली नो स्पॉट इन विच शी कैन कम्पीट विद हिम। यानी कि वुमेन को टोटली आउट कर दिया गया है, मेल के साथ उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है। शी कैन नॉट एंटर इन टू द फाइट विद मेल, एडिंग टू दैट अगेन अब लेबल्स लगने लगे हैं वुमेन को, और ये मैं नहीं लगा रहा, फॉर गॉड सेक आप लोगों ने मेरा एग्जाम, मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। ये फेमिनिज्म की अपनी बुक है जहाँ से मैं ये कोट कर रहा हूँ। एडिंग टू दैट आर द इंस्टेबिलिटी है, यानी कि वुमेन को कहा जा रहा है कि वो इंस्टेबल होती हैं, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल होता है उनके पास, फ्रेजिलिटी है, फ्रेजाइल होती हैं, डेट हैव बीन डिस्कस्ड, दीज आर फैक्ट्स। और कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, यानी कि ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये कंप्लीट थ्योरीज हैं, फैक्ट्स हैं। हर ग्रैप्स ऑफ द वर्ल्ड इज दस मोर लिमिटेड, और ये कहा जा रहा है कि उसका जो दुनिया पे वो ग्रिप है, ग्रैप्स ग्रैस्प है, वो लिमिटेड है। शी हैज लेस फर्मनेस एंड प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन इन प्रोजेक्ट्स,
दैट शी इज ऑल्सो लेस एबल टू कैरी आउट दिस मीन दैट हर इंडिविजुअल लाइफ इज नॉट एज रिच एज मेन्स एंड दिस इज कोटेड फ्रॉम सेकेंड सेक्स बुक ऑफ सीमन डी बोर्ड यू कैन इजिली चेक इट आउट. मैं आपको यहाँ पे रिबेका लैटिमर फेल्टन के मैंने आपसे वादा किया था कि वो भी दिखाऊंगा विजुअल इमेजिन. दिस इज़ रिबेका लैटिमर फेल्टन एंड और मैंने जैसे कि बताया शी वाज राइटर लेक्चरर रिफॉर्मर पॉलिटिशियन बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन वुमेन टू सर्व इन यूएस सेनेट यानी फर्स्ट सेनेटर थी ये. और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पढ़ें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए वाइट सुप्रीमिस्ट ए स्लेव ओनर ए वुमेन हु स्पोक विगरसली इन द फेवर ऑफ लिंचिंग एंड लिंचिंग मैंने बता दिया है ये आपके सामने भी मेंशन है कि ब्लैक मेन को लटका के मार देना चाहिए. एंड नॉर्मन बार्टली रोट दैट 1915 शी वाज championing a lengthy feminist program that ranged from prohibition to equal pay for equal work. तो ये मैंने आपके सामने सारी स्टोरी खोल के रख दी आप खुद भी चेक कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट वुमेन आई हैव कोटेड एंड द सेकेंड वुमेन सीमन डी बोर और इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. सीमन बहुत लंबा नेम है लेकिन हम छोटा करते हैं. सीमन डी बोर एक्चुअली शी रोट द बुक द सेकेंड सेक्स हेयर इन 1949 और ये क्या है ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन एंड फंडामेंटल ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी फेमिनिज्म एंड फॉर हर नॉवल्स. ये बाकी इसके राइटिंग्स एंड दिस इज द बुक आई हैव बीन मेंशनिंग सम प्रीमिसेस फ्रॉम फेमिनिज्म. आई होप यू मे गेट आइडिया ऑफ इट. नाउ द थर्ड वुमेन मेंशनड हेयर इज एक्चुअली फ्रॉम द अदर फ्लॉलेस क्लेम्स वी विल डिस्कस in second episode tomorrow inshallah. Now we will move towards our next point that is islamophobic claims of aur isko prove karne ke liye hame ek story ka pata hona chahiye that is story of amina. Amina is actually Tunisian muslim woman aur ye ek actually aap keh lo ke psycho woman thi jo ke ek bahut hi disgusting project ke sath out hui thi. Ek feminist thi aur बहुत ही बेड़ा गर्क किया था इस्लाम का इसने. तो ये जानना क्यों ज़रूरी है कि इस्लामोफोबिक क्लेम्स कौन से हैं क्योंकि हम तब तक चुप थे जब तक कि इस्लाम फेमिनिज्म एक बहुत पीसफुल वे में अपने प्रोटेस्ट कर रही थी या फिर अपने वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रही थी. लेकिन जब ये चीज़ें ऐड होने लगी देन ये प्रोजेक्ट में ऐड करना और एक मुस्लिम कम्यूनिटी को डायरेक्ट हिट करना तो हमारा भी ये पूरा फ़र्ज है कि हम भी अब इनको जवाब दें. ठीक है ये थी वो इस्लामोफोबिक क्लेम्स इस्लाम को डैमेजिंग करने के लिए जो कि इन्होंने स्टार्ट किए थे जिसको मोस्टली निगलेक्ट कर दिया जाता है और इसको फेमिनिज्म का पार्ट ही नहीं कंसीडर करते. तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ से कि ये बहुत डिस्कस्टिंग एम के साथ बाहर आई थी ए फेमिन स्टाइल प्रोटेस्ट आयरिक सम मुस्लिम वुमेन एंड शी केम अ टाइटल नेम टोपलेस हिजाब. यू कैन गेट द आइडिया कि इसका क्या मतलब है. टोपलेस हिजाब का मतलब जो कि स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट इस्लामिज्म यानी कि इट इज़ आउट ऑफ माई ऑल लॉजिक्स. ठीक है इस्लामिज्म एंड दिस इज़ द वुमेन यू कैन सी हेयर और ये एक्चुअली द फर्स्ट वुमेन थी जिसने सॉरी द सेकेंड वुमेन थी जिसने इस्लाम को डायरेक्ट हिट किया था. और यहाँ पे अगर हम देखें द साइन ऑफ ट्रेलर यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज़ होता है इसकी चेस्ट के ऊपर लिखा हुआ था डैट इज़ माय बॉडी बिलोंग्स टू मी रिटन ऑन आर चेस्ट. और ये इसको अगर उर्दू में तर्जमा करें तो इसका मतलब बनता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी. और ये फर्स्ट टाइम यूज़ होता है एज ए इस्लामोफोबिक कंटेंट. यू कैन नाउ हैव आइडिया ऑफ थिंग्स टोपलेस जिहाद. मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा आप लोग खुद जाके ये सर्च कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ डिस्कस्टिंग थिंग. एंड द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी और अदर फेमिनिस्ट आई वांट टू मेंशन हियर वो भी आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन और इस रिएक्शन का मतलब ये था
बहुत सारे इस्लाम को डैमेज करने के लिए बैनर्स बनाए गए, दीज आर द वुमेन्स दैट आर एक्चुअली द अरब वुमेन्स, अरब वुमेन, और ये आपके सामने, मैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है, और दीज आर द फेमिनिस्ट, एक्चुअली द फेमिनिस्ट, और ये आपको अच्छे से पता चल रहा है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ठीक है। बात है, आई वॉज लिटरली शेकिंग जब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टडी की थी। इट इज़ अ बिटर रियलिटी दैट मुस्लिम वुमेन आर फ्रिक्वेंटली विक्टम्स ऑफ वायलेंस इन द नेम ऑफ शरिया, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि शरिया यानी शरीयत लॉ को के अकॉर्डिंग वुमेन को विक्टमाइज किया जाता है, उसको उसको नाउजबिला, यानी कि आप समझ लें ये कहा जाता है कि ओप्रेस किया जाता है, ठीक है। और हम इसको जस्टिफाई कर देंगे कि क्या इस्लाम है और क्या ये सोच के बैठे हुए हैं और ये किस तरह से हमारे इस्लाम को इस तरह हिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा साइट के ऊपर मेंशन है क्या क्या इस्लामोफोबिक कंटेंट इन्होंने क्रिएट किया, क्या क्या थियोलॉजियंस थे, क्लैरिक्स थी, इसके बाद क्या रिएक्शंस आया और ये कहाँ कहाँ पे, और इसको बहुत हाइप मिली क्योंकि मीडिया यही चाहता है, इस्लाम को डैमेज करने का मौका चाहिए उनको, और ये बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी इसकी, और इवन अभी भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे इवन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, इसका आपके सामने पाकिस्तान के अंदर भी ये अब शुरू हो चुका है, और आपको इसका बैकग्राउंड सामने रख दिया गया है, ये इसका बैकग्राउंड है, जो कि हम मासूम हैं, हमें मासूम, वी आर जस्ट इनोसेंट, और इसलिए हमारी इनोसेंसी का फ़ायदा उठाकर इस्लाम को हिट किया जाता है। ओके, सेकंड रिएक्शन जो हमें मिला था वो भी आपके सामने मेंशन करते हैं। दिस इज द सेकंड रिएक्शन, फेमिन एक्टिविस्ट इन टॉपलेस प्रोटेस्ट एट फ्रेंच इस्लाम कॉन्फ्रेंस एट वुमेन, यानी कि बरहना होकर एक उस दावत प्रोग्राम में ये एंटर हो गई थी जो कि इस्लाम को, यानी कि दावा प्रोग्राम था, जो नॉर्मली हम कह लो कि दीन की मजलिस लगी हुई थी फ्रांस के अंदर, और ये वुमेन्स जो थी उसके अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए, फेमिन थी ये सारी एक्टिविस्ट थी, टोपलेस एंटर हो गई थी और स्टेज पे चढ़ के इन्होंने तमाशे किए थे, ठीक है, और ये सारा ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है सब कुछ। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पे अगर हम देखें एट अबाउट पिक्चर फीचर्स, ये तीन नेम्स हैं, यूकेरियन फेमिनिस्ट हैं विद द टू मेंबर्स, और मसला यहाँ पे है कि सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमेन के खिलाफ लड़ाई हो रही है, ठीक है, वो फेमिनिज्म करें, फेमिनिस्ट करें, डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई हो रही है वो भी ठीक है, लेकिन जब रिलीजन के ऊपर बात आती है तब ये हर्टिंग होता है, और रिलीजन भी कौन सा है, इस्लाम, इधर मेंशन नहीं है लेकिन इधर स्पेशली इस्लाम को टारगेट किया जाता है, और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी वो एक्चुअली वुमेन राइट्स बेस्ड नहीं थी, इट इज़ एक्चुअली ए पोलिटिकल फिलोसफी, और मैं इसको पोलिटिकल फिलोसफी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फेमिनिज्म वुमेन राइट एक्टिविज्म पे बेस करती ही नहीं, ये उसकी एक आड़ के ऊपर बैठ कर एंटी इस्लामी या इस्लामोफोबिक या फिर बहुत सारे अपने दूसरे एम्स को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल फिलोसफी बनाई गई थी, और ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ आपके सामने, ये आपके सामने मेंशन है हर चीज। ओके, अब हम अपने प्यारे इस्लाम की तरफ चलते हैं, शुक्र अल्लाह का हमने इस नहुसत से अपने आप को दूर किया और अब इस्लाम की तरफ मूव ऑन करेंगे, हम देखेंगे कि इस्लाम ने किस तरह से अपने जो मानने वाले हैं उनमें जो फीमेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया है, उस उनको कौन कौन से राइट्स दिए हैं, और मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे पास पहले जो फेमिनिज्म क्लेम करती है तीन राइट्स के ऊपर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये तीन क्लेम्स हैं, लेकिन इस्लाम क्लेम करता है सिक्स मेन स्ट्रीम राइट्स के ऊपर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, स्पिरिचुअल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ये सारे के सारे इस्लाम, और इवन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस्लाम इससे भी बहुत गुना आगे हैं, जो कि एक वोटिंग सिस्टम है जो कि पॉलिटिकल राइट में आती है, इस्लाम ने वहाँ पे बहुत सारे और भी राइट्स दिए हैं। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हेयर इज के स्पिरिचुअल राइट्स पे हम सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इस्लामिक राइट्स, और यहाँ आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे सिर्फ फर्स्ट राइट के ऊपर क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया,
स्पिरिचुअल राइट्स पे जाने से पहले हम ये अगर कंसीडर कर लें कि इस्लाम से पहले क्या हालात थे, तो हमें इजीली ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस गुजरी हैं। डिफरेंट सिविलाइजेशंस में सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो थी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन एक्चुअली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिविलाइजेशन है, जिसमें ये कहा जाता था कि अगर कोई बंदा किसी को मर्डर कर देता तो उसकी सज़ा के लिए उसकी वाइफ को किल किया जाता था। उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन में ये बताया जाता है कि अगर कोई बंदा अपनी वूमन, उस वक्त एक पेंडोरा गोडेक्स थी जो कि इसलिए बनाई गई थी ताकि वुमेन को कर्फ किया जा सके, जो कि बदअमनी की निशानी थी और वो एक वुमेन थी। इसके बाद रोमन सिविलाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो रोमन सिविलाइजेशन में प्रोस्टिट्यूशन एंड न्यूडिटी बहुत आम थी। इसके बाद अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखते हैं तो वहाँ पे वुमेन को एज ए ईविल साइट कंसिडर किया जाता है, और इसके बाद अगर हम किया जाता था इसके बाद अगर हम अरेबियन सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज की एपिसोड का मैं यहाँ पे इख्तिताम कर रहा हूँ, ड्यू टू टाइम मगरिब टाइम हो चुका है, सो वी विल कंक्लूड हेयर। लेट्स जंप इनटू बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। वी आर जंपिंग इनटू आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो क्लियर की जाएंगी। कोई भी अभी तक की चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट की हुई हो या आप कुछ बताना चाह रहे हैं वो लाजमी बता सकते हैं। आपको एक्टिविटीज़ के बारे में और नेक्स्ट टाइमिंग के बारे में इंशाल्लाह ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अब मैं आपके कमेंट्स की तरफ मूव ऑन करूँगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, वो लाजमी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं। आई एम वेटिंग जस्ट फॉर 1 मिनट, क्योंकि नमाज का टाइम है, ज़्यादा टाइम हम लेट नहीं कर सकते। ओके, जमीन हुसैन का क्वेश्चन है, एंड हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम हु हैव ऑल द राइट्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वुमेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ, मैं बता देता हूँ आपको, हज़रत हव्वा अलैहि सलाम फर्स्ट वुमेन थी जिनके पास सारे के सारे इस्लाम फेमिनिज्म के राइट्स मौजूद हैं। ठीक है, हज़रत हव्वा अलैहि सलाम फर्स्ट मुसलमान। और फेमिनिज्म एक बिल्कुल कतरा है वुमेन राइट्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, कतरा भी नहीं है। इट्स सेल्फ फेमिनिज्म इज़ नॉट अ वुमेन राइट्स एक्टिविज्म, मैं आपको ये भी प्रूव कर चुका हूँ। और अगर उसको हम कंसीडर भी कर लेते हैं तो फेमिनिज्म इज़ जस्ट अ लिटिल पिंच ऑफ एक्टिविज्म। ठीक है, और अगर आप उनकी बात करते हैं तो वो तो इस्लाम ने हमें, आपके सामने जब मैं ये एलेबोरेट करूँगा ना राइट्स, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितने सारे राइट्स दिए हैं इस्लाम ने। और अगर आपने आइडियल मुस्लिम को देखना है तो वो ये नहीं देखें कि हम क्या कर रहे हैं या वुमेन को अभी राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, वो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, और सबसे बेस्ट एक्टिविस्ट देखनी है तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखें। ठीक है, इससे जज ना करें। मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर आप ये जज करके बैठेंगे कि आप मुसलमान क्या कर रहे हैं तो हमारा पूरा प्रीमिस ही गिर जाएगा। मैं भी ये कह सकता हूँ कि अभी फेमिनिस्ट क्या कर रही हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट की अपनी, अब उनको अपने आप का ही नहीं पता। ठीक है, उनको जो मैंने अभी बातें की हैं ना, उनको इन बुक्स का नहीं पता। किसी भी फेमिनिज्म का से जाके पूछें उन्होंने कौन सी फेमिनिज्म की बुक पढ़ी है, दे विल आंसर नो वन, नॉट अ सिंगल वन। एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप हेयर। ओके, आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन।
ओके हम अच्छा दिस इज़ द क्वेश्चन, वुमेन अगर मैन के इक्वल राइट्स मांगती हैं तो वो फेमिनिस्ट होंगी? हाँ, ये बहुत अच्छा क्लेम है, मैं आपको बता देता हूँ। ए वुमेन कैन बी अ वेरी गुड वुमेन राइट एक्टिविस्ट विदाउट बीइंग फेमिनिस्ट, समझ गई? इसका मतलब ये है, और ये सर्वे से भी साबित है। बहुत सारी हम अपने आप को एज ए फेमिनिस्ट कह रहे हैं ना, अगर हम इसकी रीजन देखते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुई, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, और यूएसए, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वुमेन है जो कि वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहती, ठीक है? वो आपके आपको वुमेन राइट एक्टिविस्ट कहती हैं, बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द ऑल द बिहाइंड एजेंडा ऑफ दिस फेमिनिज्म, ठीक है? दे आर वेल अवेयर। और अगर आपने वुमेन राइट्स पे बात करनी है तो आप वुमेन राइट एक्टिविस्ट होकर बात करें, और सबसे अच्छा ये है कि एज ए मुस्लिम वुमेन बात करें, इससे बड़ा आपके पास लेबल नहीं है वुमेन राइट्स का, ठीक है? और ये सर्वे से मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। फेमिनिज्म टर्म 90s में इवॉल्व हुई थी बिकॉज फेमिनिस्ट वुमेन राइट्स तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही है ना। जी जी बिल्कुल, फेमिनिज्म इज़ नो नॉट सिनोनिमन विद वुमेन राइट्स। मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ, फेमिनिज्म इज़ नॉट सिनोनिमन विद वुमेन राइट्स, इट इज़ एक्चुअली ए पोलिटिकल फिलोसफी। हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज यही मैंने प्रूव किया है, ये पोलिटिकल फिलोसफी है। फेमिनिज्म की आड़ के अंदर बहुत सारे और मकासद हैं जो पूरे किए जा रहे हैं, और वुमेन राइट्स को एक मकसद बनाया जा रहा है इसका, जो कि इसका एक्चुअल मकसद भी नहीं है इवन, ठीक है? मैं इससे भी टोटली एग्री करता हूँ कि, और मैं अपने आप को एज ए मुस्लिम फेमिनिस्ट भी कहता हूँ, ठीक है? आई एम द फर्स्ट मुस्लिम फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू द थोरेटिकल डेफिनेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रेमिस। आई एम द बिगेस्ट मुस्लिम फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू द थोरेटिकल डेफिनेशन, और उसमें तीन चीज़ें हैं, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड पोलिटिकल राइट्स। लेकिन मैं उससे उससे भी बड़ा एक मुस्लिम मैन हूँ, जो कि मुझे पता है कि छः राइट्स देती हैं इस्लाम मुस्लिम वुमेन को, ठीक है? राइट्स पे बात करना इज़ नॉट फेमिनिज्म राइट, क्योंकि फेमिनिज्म तो एक इंतहाई मिसयूज टर्म है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फेमिनिज्म इज एक्चुअली ए पॉलिटिकल फिलोसफी, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। ओके, जजाकल्ला खैर। व्हाट अबाउट, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, व्हाट अबाउट फेमिनिज्म पाकिस्तान? इंशाल्लाह पाकिस्तान फेमिनिज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे सेशन 2 में, कि पाकिस्तान में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया है इस फेमिनिज्म के नेम के ऊपर। एक्चुअली ये फेमिनिज्म है क्या, और इसकी मुतबादल हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के लास्ट में कवर करेंगे। इट इज़ नॉट इक्वेलिटी बट इक्विटी विद इस्लाम टवर्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह, बोथ द जेंडर्स नीड देयर राइट्स। यस इंडीड, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के आगे आगे रख कर एक्चुअली इस्लाम, ये क्लेम्स एक्चुअली तब तक प्रूफ नहीं कर सकते जब तक हम इनके प्रीमिस से ना देख सकें। तो अगर आपको ये प्रीमिस क्लियर है तो इजीली आप ये क्लेम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रूव्ड इट। और अगर कोई रिजेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। आई एम हेयर टू चैलेंज योर, आई एम वेरी वेरी आई विल वेरी अप्रिशिएट योर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। कोई भी करना चाहता है मेरे ऊपर या मेरी रिसर्च के ऊपर या हमने जितनी भी बातें की हैं उसके ऊपर, तो मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। ओवर टू यू आवर होस्ट। जाकिर सर, थैंक यू सो मच। बीइंग गर्ल मेरे लिए भी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुई हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रही होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल दोबारा सेकंड पार्ट के साथ दोबारा मिलेंगे, आपको टाइमिंग ग्रुप में ही बता दी जाएंगी। आज की एपिसोड का हम इख्तिताम अल्लाह के नाम के साथ करते हैं, और इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान का इल्म सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए, और इसको हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।